हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइनाइटिस या राइनोरिया, जो हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हो जाती है जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज़ की। और इसको हमें कैसे पता चलता है, इसमें हमें रनी नोज़ या फिर जो कंजेशन होता है नोज़ का वो देखने को मिलता है। यूजुअली एक कॉमन कंडीशन है जो कि जब भी हमें कोई भी कोल्ड या फिर कोई एलर्जी हो जाती है रिलेटेड टू नेज़ल जो भी हमारी होती है, उसकी वजह से हमें क्या होगा, ये देखने को मिलती है। इसको हम क्या है, कोराइज़ा भी कहते हैं। ठीक है, कोराइज़ा डिजीज़ जो है हम राइनाइटिस, राइनोरिया फिर या फिर कोराइज़ा इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी पोस्ट नेजल ड्रिप होती है उसमें क्या होता है, बैक फ्लो होने लग जाता है म्यूकस का फ्रॉम जो नेजोफेरिंग्स है ओरोफेरिंग्स में, यानी कि नेजोफेरिंग्स टू ओरोफेरिंग्स जो हमारा म्यूकस का फ्लो है वो क्या हो जाता है, वापस से बैक फ्लो हो जाता है, तो नेजोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स की तरफ वो जाता है। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये तीन टाइप का होता है, एलर्जिक, नॉन एलर्जिक और गैस्ट्रोटेटरी। एलर्जिक में क्या होता है, इसको हम हे फीवर भी कहते हैं। ये कब होता है, जब हम किसी एलर्जन की कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डस्ट पार्टिकल्स से एलर्जी होती है। उसके बाद किसी को जो पोलन होता है, फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होता है उससे एलर्जी होती है। किसी को किसी ट्री से एलर्जी होती है, किसी स्पाइसेस जो होते हैं हमारे उससे एलर्जी होती है, तो वो क्या होता है, एलर्जिक जो राइनाइटिस है वो उसको होता है। ठीक है, उसके साथ साथ एनिमल डेंडर से भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है, यानी कि परफ्यूम्स वगैरह की कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है उससे एलर्जी हो सकती है। तो ये सारा क्या आएगा, एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर आएगा। उसके बाद आता है नॉन एलर्जिक, यानी कि जो कॉमन कोल्ड वगैरह की वजह से हो सकता है, किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो वायरस में कौन कौन से वायरस आते हैं, जैसे कि एडेनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा ए बी हो गया, कोरोना वायरस हो गया, या फिर जो राइनो वायरस हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा हो गया, स्टाफाइलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, तो इनकी वजह से जो होता है, या फिर किसी कहीं पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन की वजह से अगर हमें देखने को मिल रहा है, या फिर लाइफ स्पेन जो होता है वायरस का वो 8 to 10 days होता है, तो उसकी वजह से भी जो भी हमें यहाँ पे राइनाइटिस देखने को मिलता है या इरिटेशन इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो उसको हम कहते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। थर्ड जो होता है वो होता है गैस्ट्रोटेटरी, यानी कि देखो, अगर हम स्पाइसी फूड, हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, हमने कुछ भी ऐसा तीखा खा लिया जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, तो हमारी जो रोज़ है वो रनी रोज़ हो जाती है, हमारी नोज़ से पानी आने लग जाता है, हमारी आइज जो है वो वोटरी हो जाती है, यानी कि पानी आने लग जाता है। इन शॉर्ट, जब हम कहते हैं कि हमारा जो है मुंह जल जाता है जब हम कुछ खाते हैं, तो हमारी जो टेस्ट बर्ड अल्टर होते हैं, रिलेटेड टू टेस्ट बर्ड होता है ये, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोटेटरी। और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता, कुछ मिनट से लगभग जो है विद इन हाफ आवर में जो है ये ठीक हो जाता है अपने आप। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता है, बस जैसे ही हमारे टेस्ट बर्ड जो है वहाँ पे स्पाइस लगना हमें कम होगा तो वो अपने आप जो है ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, तो जो एक्यूट राइनाइटिस होता है वो किस वजह से हो सकता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या जो वैसोडाइलेशन होता है ब्लड वेसल में, उनकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है हमारा एक्यूट राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस तो जैसे कि हाउस में डस्ट होता है, जो माइट्स होते हैं या फिर कोई केमिकल्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, ग्रासेस होते हैं जो वीड्स या फिर पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी वजह से भी जो है हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो क्रोनिक होता है वो किस वजह से हो सकता है, अगर क्रोनिक इरिटेशन हो रही है डस्ट या स्मोक से, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि देखो आप कि कई इंसान जो है वो नॉर्मली रहते हैं चाहे वहाँ पे स्मोक हो या ना हो, बट कई क्या होते हैं, जैसे ही कहीं पे भी स्मोक आया है या डस्ट आया है तो उनको स्नीजिंग शुरू हो जाती है, कफिंग शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होती है, वो उनको क्रोनिक इरिटेशन होती है डस्ट और स्मोक से। ठीक है, तो वो चीज़ किस में आएगी, क्रोनिक राइनाइटिस में उसको हम कंसिडर करते हैं। नेबरिंग इन्फेक्शन है, किसी को साइनोसाइटिस हो गया है, नेबरिंग इन्फेक्शन यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोस में किसी को इन्फेक्शन है, वो चीज़ यहाँ नहीं होगी। नेबरिंग इन्फेक्शन यानी कि जो हमारा वो एरिया है म्यूकोसल मेम्ब्रेन का, वहीं पे अगर कोई और इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि साइनोसाइटिस है, कोल्ड हो गया है, कफ हो रखी है, या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखी है किसी रीज़न से वो, या फिर जो हमारी डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस आ रहा है, तो वो लीड करता है क्रोनिक राइनाइटिस को।
रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वायरसेस हो सकता है, अगर कोई वायरस के कॉन्टैक्ट में आ गया है और वायरस बॉडी में एंटर कर गया है तो उस वजह से हो सकता है। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में जाओगे या फिर बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट में जाओगे तो वो इफेक्ट कर सकते हैं। अब आप कैसे होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो आपको ठंड लग के क्या होगी, आपकी जो आपको कोल्ड हो सकता है तो उसकी वो क्या है, फर्दर लीड कर सकता है आपको राइनाइटिस को। और अगर आप हॉट इन्वायरमेंट में जाते हो तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग के साथ ही आप क्या करते हो, आप पानी पी लेते हो एकदम से, ठीक है, आप वाटर जो है वो कंज्यूम कर लेते हो, तो उसकी वजह से बॉडी को जो है एक तरीके से इम्बेलेंस हो जाता है वो जो चीज़ होती है, और वो क्या होती है आपके दोबारा से कोल्ड कफ और जो इन्फेक्शन होता है उसको लीड कर सकती है। उसके साथ होता है अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो वो चीज़ एक काउंट कर सकते हैं हम। उसके बाद इन्फेक्शंस, ऑब्वियसली अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंगल इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्टेड एजेंट है वो आ रहा है तो वो इन्फेक्शन करेगा तो वो लीड करेगा। हमारी फूड और बेवरेजेस भी करती हैं, अभी हमने पढ़ा था कि एक गस्टेटरी टाइप का राइनाइटिस होता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारा फूड होता है या बेवरेजेस होती हैं वही जाके इफेक्ट करती हैं, उन्हीं की वजह से जो है हमें वॉटरी आइज़ और रनी नोज़ देखने को मिलता है। उसके बाद आती हैं सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी पे अच्छे से रिएक्ट नहीं करती हैं, उनका हमें क्या है साइड इफ़ेक्ट की तरह भी जो है ये चीज़ आ सकती है। उसके बाद आता है हेरिडेटरी रिस्क, हो सकता है ना कि हमारी फैमिली में ये हो, एक ही फैमिलिकल जेनेटिकल कंडीशन ये हो सकती है तो वो भी जो है यहाँ पे रिस्क फैक्टर में काउंट हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा होता है, हमारे पास क्या होता है, एक मास्ट सेल होता है और मास्ट सेल में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं एंटीबॉडी के, तो कोई भी एंटीजन या फिर जो भी डस्ट या पोलन ग्रेन्स हैं वो एंटर करते हैं, यहाँ पे क्या होता है ये हमारा मास्ट सेल है और इसमें एंटीबॉडी रिसेप्टर है, तो एंटीजन आया हमारी बॉडी में और वो आके क्या होगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा जो रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर पे आके अटैच हुआ तो उसने क्या किया, एंटीजन एंटीबॉडी ऐसे अटैच हो गया तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स जाके मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा, अब वो मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे, हिस्टामिन रिलीज़ होंगे तो एलर्जी हो जाएगी और एलर्जी क्या होगी, वो लीड करेगी फर्दर जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं रिलेटेड टू राइनाइटिस। अब वो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, टियरी और इची आइज़ हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, हमारी आइज़ में बहुत ज़्यादा क्या होगा, पानी आता रहेगा, वॉटरी आइज़ होंगी और इची यानी कि हमें वहाँ पे ना ऐसे इचिंग जैसी सेंसेशन हमेशा फील होती रहेगी। उसके बाद जनरलाइज्ड हेडेक यानी कि नॉर्मल हेडेक हमें देखने को मिलेगा कि हाँ यार थोड़ा सिर भारी भारी सा लग रहा है, थोड़ा सिर में पेन हो रहा है, वो वाली कंडीशन जो है वो रहेगी। उसी के साथ साथ जो नेज़ल पोलिप्स हैं समटाइम्स वो देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हमें नेजल डिस्चार्ज जो है वो भी देखने को मिल सकता है, वो थिन और वोटरी भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कैसा होगा, जो नेजल डिस्चार्ज होगा बहुत ज़्यादा थिन और वोटरी होगा, ठीक है। उसके बाद म्यूकोप्लूरलेंट यानी कि जो पस जो डिस्चार्ज है वो भी हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज वहाँ पे इन्फेक्शन है तो वो एप्सेस फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि पस फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। वोटरी आइज़ देखने को मिलेंगी, बॉडी एक रहेगा, हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा थकी थकी रहेगी, ऐसा लगेगा कि हर जो बॉडी है हर पार्ट जो है बॉडी का कहीं ना कहीं वहाँ पे पेन हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें फीवर देखने को मिलेगा, मेलाइज़ यानी कि जनरल वीकनेस, ठीक है, जनरल वीकनेस जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी और उसी के साथ साथ हमें जो है फटीगनेस भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम क्या क्या टेस्ट या फिर एग्जामिनेशंस कर सकते हैं फॉर द कंफर्मेशन कि हमें क्या है, राइनाइटिस ही है, तो हम मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं टू सी द इन्फेक्शंस और फॉर कंफर्मेशन कि फर्दर फैमिली में किसी को तो ऐसे डिसीज़ नहीं है कि उनको राइनाइटिस वगैरह है तो आपको जेनेटिकली या हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम आई हो। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि हम ब्लड काउंट चेक करेंगे, उसी के साथ जो IgE एंटीबॉडी टेस्ट है वो करेंगे, रेडियो जो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट होता है वो करेंगे। उसके बाद हम स्किन प्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं या हम इसको कहते हैं कि स्किन पैच टेस्ट, ठीक है, ये दोनों एक ही टेस्ट के नाम हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम डायग्नोज करते हैं एलर्जी को और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ऑब्जर्व करते हैं उसको 20 मिनट के लिए और अगर वो एलर्जिक होता है तो वो क्या होगा, कन्फर्मेटरी जो है वहाँ पर सीन होएगा। उसके बाद हम नेजल स्मीयर टेस्ट भी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं और नॉन एलर्जिक के केस में हम क्या करेंगे, म्यूकस स्वैब कल्चर करा सकते हैं और ब्लड में हम ESR का लेवल इंक्रीज मिलेगा अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो, और जो WBC है उसका काउंट भी जो है वो इंक्रीज मिलता है।
ट्रीटमेंट या फिर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को, एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, सेट्राजीन, लिवोसेट्राजीन, ये दोनों एलर्जिक के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद डाइफेंड्रामाइन दे सकते हैं, कैरोटिडिन दे सकते हैं, उसके बाद जो क्लोरोफेमिनसमाइन होती है, स्टीरोइड्स जो होते हैं या फिर जो नेजोकोर्टिकोस्टीरोइड्स जैसे कि बैक्लोमिथाजोन, ये सारी जो मेडिसिंस हैं ये हम जो राइनाइटिस का पेशेंट होता है उसको दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो राइनाइटिस भी साइनोसाइटिस को नीड कर सकता है। उसके बाद ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया यानी कि ईयर्स से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। ईस्ट्रियन ट्यूब डिसफंक्शन हो सकता है। उसके बाद जो स्लीप डिस्टर्बेंस है वो देखने को मिलेगी, डिफ़िकल्टी होएगी ब्रीदिंग में यानी कि डिजनिया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वो भी देखने को मिल सकता है। नेजल पोलिप्स या फिर जो एनाफाइलेक्सिस हैं वो सारी चीज़ें हमें जो है इस कंडीशन में देखने को मिल सकती हैं।